हेलो एवरीवन दिस इज साक्षी विश्नोई वेलकम टू सोशल स्कूल तो इस वीडियो में हम लोग जो हमारी क्लास इलेवेंथ इकोनॉमिक्स है इसमें जो हमारी बुक है माइक्रो इकोनॉमिक्स उसका जो चैप्टर नंबर फोर है दैट इज द थ्योरी ऑफ कंपटीशन उसका फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं

इक्विलिब्रियम सप्लाई एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ये सारी चीजें जो है ये हमें कवर करनी है इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर देखो मैंने ये चीज़ जो है शुरू से बोली है आज फिर जो है मतलब अभी फिर मैं जो है इसमें बोल रही हूँ कि जो भी चीज़ें हैं जो भी चैप्टर्स हैं सीक्वेंस वाइज हमें पढ़ने हैं एंड आई होप सो कि अभी तक आप लोग ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर वन टू थ्री हैं, ये कवर कर चुके हो ऑल राइट right. अगर नहीं किया है सो फॉर नाउ आई विल से कि पहले जाकर वो पढ़ लो क्योंकि सारी जो चीजें होती है ना वो आपस में रिलेटेड होती है हमारा करिकुलम हमारा सिलेबस जो है वो वैसा ही क्यों बना हुआ है चैप्टर 2 चैप्टर 4 की जगह पर चैप्टर 4 चैप्टर 2 की जगह पर क्यों नहीं है तो उसके पीछे रीजन है ठीक है कि वो क्यों उस पर्टिकुलर सीक्वेंस में है पहले जो है हम हम नीचे नीचे जो नीचे वाली जो जो वाली है है उन पर हम लोग क्लाइम करने वाले हैं देन गो टू द टॉप मोस्ट स्टेयर ठीक है आप सबसे पहले ऊपर चले जाओगे तो गिर जाओगे इसलिए जो है सारी चीजें सीक्वेंस में पढ़नी है नाउ जो हमारा लास्ट वाला चैप्टर था दैट वाज प्रोडक्शन एंड कॉस्ट उसमें बेसिकली हमने एक प्रोड्यूसर को समझा वो कैसे प्रोडक्शन करता है क्या क्या वेरियस जो है कंसेप्ट होते हैं प्रोडक्ट के

बिल्कुल मिलेगा कोई भी प्रोड्यूसर जो है वो अगर किसी भी चीज का प्रोडक्शन कर रहा है किसी भी कमोडिटी का प्रोडक्शन कर रहा है तो वो क्या सोच के या किस मोटिव से प्रोडक्शन कर रहा है कि वो उसे जो है उससे रिटर्न मिल सके ठीक है सो दैट क्लियरली मीन की ये पर्सन क्या चाह रहा है कि ये इसने जो जितना भी कॉस्ट लगाया है उसके अगेंस्ट में हम क्या बोले कि उसको इनकम भी रिसीव हो ऑल कुछ इनकम होनी चाहिए ना अब इनकम को अगर मैं बोलूं कि इस पर्टिकुलर चैप्टर के रेफरेंस में हम लोग है इनकम इज बेसिकली व्हाट कि जितना मनी आपके पास में आया रेवेन्यू क्या होता है रेवेन्यू इज दैट ओनली कि जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन्हें सेल आउट कर, कर कितना जो है मनी जनरेट किया जाता है By a producer that is termed as revenue. अब अगर हम की बात करें Students, तो क्या क्या होती है है कि आपके पास में जितना भी money में जितना भी भी आपने किया उसमें से आप था उसको माइनस कर दो ठीक है तो वो क्या होगी वो आपकी एक्चुअल इनकम होगी ठीक है सो वी कैन से इनकम जो है उसे हम ऐसा बोल सकते हैं कुछ रेवेन्यू माइनस कॉस्ट वाला ऑलराइट right इस इनकम को इस सेंस में इकोनॉमिक्स में हम क्या बोलेंगे एक प्रोड्यूसर के रेफरेंस में हम इसे क्या बोलते हैं सो so, इसे हम इनकम नहीं बोलेंगे वील से प्रॉफिट ऑलराइट तो हर एक जो प्रोड्यूसर है जो कि प्रॉफिट मोटिव से काम कर रहा है ओके okay, कुछ होते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाले उन्हें से वेलफेयर करने से मतलब होता है लेकिन मेजॉरिटी जो है वो प्रॉफिट मेकिंग से ही जो है काम करते हैं तो जो भी प्रॉफिट मोटिव से काम कर रहा है वो क्या देखिएगा कि उसके रेवेन्यू ज्यादा हो उसके कॉस्ट से और कितने ज्यादा है ये चीज डिपेंड करता है कि उसका कितना प्रॉफिट होगा तो इन शॉर्ट वी कैन से कि जब हम एक प्रोड्यूसर की बात कर रहे हैं तो एक प्रोड्यूसर को समझने के लिए हमें प्रोडक्शन देखना है उससे रिलेटेड कॉस्ट को देखना है उससे रिलेटेड रेवेन्यू को देखना है और प्रॉफिट कितना हो सकता है वो भी हमें देखना है तो ये जो चीज है प्रोडक्शन एंड कॉस्ट इसे आप लोग अपने लास्ट वाले चैप्टर में पढ़ चुके हो अब बचा क्या है आपके पास में बचा है आपके पास में रेवेन्यू को पढ़ना और प्रॉफिट को पढ़ना ठीक है ये रेवेन्यू और प्रॉफिट से ही मिला जुला कर कहीं ना कहीं जो है हमारा ये वाला टॉपिक भी लिंक्ड है दैट इज प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम All right. उसके बाद अगर की बात करें, तो हमने देखा था students. Demand कौन करता है? एक consumer करता है? है, है? एक ठीक अब उस डिमांड को fulfill कौन करेगा उस demand को fulfill करेगा एक प्रोड्यूसर गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करके तो प्रोडक्शन के बाद में वो चीजें सप्लाई की जाएगी इन दी मार्केट तो वही चीज जो सप्लाई मतलब क्या होती है प्रॉपर वे टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो हम लोग देखने वाले हैं अपने इस पर्टिकुलर टॉपिक में ऑल राइट आई गेस इतनी चीजें क्लियर है अब स्टार्ट करते हैं आर फर्स्ट टॉपिक दैट इज इज परफेक्ट परफेक्ट देखो इस बेसिकली अ फॉर्म ऑफ मार्केट ठीक है ये एक मार्केट का फॉर्म है कि हाँ ये एक पर्टिकुलर मार्केट है इसमें ऐसे ऐसे प्रोड्यूसर्स हैं, ऐसे बायर्स हैं और उसमें प्राइजेस कैसे रखे जाते हैं उसमें प्रोडक्ट्स कैसे होते हैं ये चीजें हमें पढ़ना है एंड उसके बाद में ये परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर हम लोग स्टडी करने वाले हैं वेरियस जो एस्पेक्ट है ठीक है को को के को के इन सारी चीजों को जो है हम के अंदर स्टडी करने वाले हैं ऑल राइट right, अब इसका मतलब क्या होता है सबसे पहले ये देखते हैं सो परफेक्ट कॉम्पिटिशन रिफर्स टू दार्केट सिचुएशन वेयर देअ वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स ठीक है क्या है वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं एंड सेलर्स डीलिंग इन द होमोजेनियस प्रोडक्ट एट अ प्राइस फिक्स्ड बाय द मार्केट इन रियलिटी परफेक्ट कंपटीशन हैज नेवर एग्जिस्टेड ठीक है जो परफेक्ट कंपटीशन है वो कभी भी एग्जिस्ट नहीं किया है और ना ही कभी करेगा तो फिर हम इसे पढ़ क्यों रहे हैं ये एक डाउट आएगा ना कि मैम जब परफेक्ट कंपटीशन जैसी चीज नहीं है कहीं पर तो फिर हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं और हम जो है ये जो एक फर्म है उसकी थ्योरी को परफेक्ट कंपटीशन के अंदर क्यों पढ़ रहे हैं किसी और पर्टिकुलर मार्केट फॉर्म में क्यों नहीं पढ़ रहे जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट करता हो है ना ये एक क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है तो बस उसी का आंसर देखते हैं पहले जो है थोड़ा सा समझते हैं कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन होता क्या है उसके बाद में इसी के जो है ना कंटिन्यूअस में मैं आप लोगों को ये भी समझा दूंगी कि क्यों हम परफेक्ट कॉम्पिटिशन ही लेते हैं सो परफेक्ट कॉम्पिटिशन क्या है एक ऐसी मार्केट सिचुएशन है जहां पर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर है ऐसा नहीं कि एक बायर हो या एक सेलर हो दोनों में ही हम देख रहे हैं कि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स है ठीक है कैसे प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं ये लोग होमोजीनियस प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं होमोजीनियस प्रोडक्ट्स कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि एकदम सेम है एक दूसरे से ठीक है एकदम सेम है एक दूसरे से ना हो आप लोग अभी जहां भी मतलब बैठे हो इस वीडियो को देख रहे हो दो मिनट के लिए आई वुड से दो सेकेंड के लिए नॉट दो मिनट के लिए अपने जितने भी आइटम्स है जितने भी सामान है उन्हें देखो कोई भी ऐसी चीज़ है जो एकदम जो है ना एक दूसरे के सिमिलर हो आपके रूम में भी ऐसा कुछ नहीं मिलेगा आपको तो दैट क्लियरली मीन्स कि हर एक चीज जो है वो एक दूसरे के सिमिलर नहीं हो सकती है बेड अलग है टेबल अलग है चेयर अलग है आपके पास में लैपटॉप है वो अलग है मोबाइल फोन है वो अलग है पेन अलग है पेंसिल अलग है आपकी कॉपीज अलग है तो यू हैव वेरियस थिंग्स और ये कोई भी एक दूसरे के आइडेंटिकल नहीं है हाँ वो ये अलग है कि मैं ये बोल रही हूँ कि मेरे पास में एक रेनॉल्ड्स का पेन है और वही सेम जो है मैं एक और मॉडल उसका ले आऊं मतलब वही वाला जो मॉडल है उसका एक और कमोडिटी या एक और यूनिट ले आऊ सॉरी तो वो दोनों आइडेंटिकल होंगे तो वो तो That in the case कि मैं एक ही नहीं देखने को मिलती है लेकिन परफेक्ट कॉम्पिटिशन में हम क्या देख रहे हैं होमोजीनियस प्रोडक्ट है ठीक है अब होमोजीनियस प्रोडक्ट होने की वजह से जो प्राइजेस है वो फिक्स होते हैं बाय दी जो प्राइजेस है वो कौन फिक्स करता है मार्केट फिक्स करती है मार्केट क्या है मार्केट वो प्लेस है जहां पर बायर्स और सेलर्स जो है वो वेरियस टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में डील करते हैं ठीक है गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं दैट इज बेसिकली मार्केट मार्केट के अगर कंपोनेंट्स हम बोले तो यहाँ पर बायर्स और सेलर्स आ जाएंगे इन वेरी प्रिसाइजली अगर हम लोग बोले तो मार्केट में आपके डिमांड एंड सप्लाई आ जाएगा जहां पर भी डिमांड एंड सप्लाई इक्वल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा वो हो जाएगा प्राइस ठीक है दैट वुड बी प्राइस डिटरमाइंड बाई मार्केट ठीक है सो जब हम ये बात कर रहे हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन में तो यहाँ पर जो प्राइजेस है वो मार्केट फिक्स करती है ठीक है अब ऐसा क्यों हुआ कि मार्केट फिक्स कर रही है और इंडिविजुअल फॉर्म फिक्स नहीं कर रही है उसके पीछे का क्या रीजन हुआ अब देखो जैसे कि मान लो हमारे पास में दो फॉर्म है वन इज फॉर्म ए वन इज फॉर्म बी ठीक है ये दो फॉर्म्स है मान लेते हैं इन दोनों ने क्या किया है होमोजीनियस प्रोडक्ट्स बनाए हैं फॉर्म ए सेल कर रही है उसे ट्वेंटी रुपीज पर और जो फॉर्म बी है वो सेल कर रही है उसे टेन रुपीज पर नाउ अगर आपको मैं बोलूं कि आपको एक प्रोडक्ट लेके आना है ठीक है यू नो दैट इज होमोजेनियस इन नेचर तो आप ये ₹10 रुपीज में लेना चाहोगे या ₹20 रुपीज में ऑबवियसली ₹10 रुपीज में ठीक है तो कोई भी पर्सन जो है वो इनके पास में नहीं जाएगा अल्टीमेटली ए को क्या करना पड़ेगा ए को जो अपना प्राइस है वो करना पड़ेगा नीचे ठीक है मतलब कि कम करना पड़ेगा तो अब ए ने सोचा कि मैं 10 में क्यों मैं 8 में ही सेल कर देता हूं तो वो जो बी के कस्टमर्स हैं वो भी मेरे पास में आ जाएंगे तो ए जो है इस सेंस में चला गया कहां पर एट रुपीज पर अब ऐसे में बी सोचेगा मैं और कम कर देता हूं बी चला गया सेवन रुपीज पर तो ऐसे कर कर के जो है वी वुड से कि बहुत ज्यादा क्या है इनस्टेबिलिटी है मार्केट uh, में ठीक है मार्केट में स्टेबिलिटी मेंटेन्ड नहीं है ये जो प्राइजेज है ये अप डाउन अप डाउन होते रह रहे हैं इसलिए जो है यहाँ पर हमने क्या बोला है यहाँ पर हमने ये होमोजीनियस प्रोडक्ट या परफेक्ट कॉम्पिटिशन की बात की जिसमें कि मार्केट फिक्स करेगा और एक प्राइस जो है वो फिक्स हो गया है ठीक है सेम प्रोडक्ट के लिए ऐसे पर्टिकुलर गेम्स जो है ना होना इज नॉट लाइक से Uh, वो जो है वो चीज नहीं है रिलायबल ठीक है तो इसलिए जो है ये जो प्राइजेस वगैरह है ये कौन फिक्स कर रहा है मार्केट फिक्स कर रहा है ठीक है यहां पर इंडिविजुअल फर्म्स फिक्स नहीं करती अब यहीं से वो पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आता है दैट इज कि हम जो है फर्म की जो फर्म की जो स्टडी है वो परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर क्यों कर रहे हैं परफेक्ट कंपटीशन में हमने बोला होमोजीनियस प्रोडक्ट है प्राइजेस फिक्स्ड बाय दी मार्केट ठीक है अब डिमांड एंड सप्लाई विल आल्सो रिमेन सेम ऑलमोस्ट सेम रीजन बीइंग कि बहुत लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं और लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स है हमारे पास में तो लगभग वो सेम ही रहने वाली है तो वी कैन से कि हमारा जो मार्केट है वो कुछ इस टाइप से वर्क करेगा दैट मींस कि इसमें फ्लक्चुएशन जो है वो उतने नहीं होंगे ठीक है अदरवाइज ऐसे जो है फ्लक्चुएशन हो सकते थे लेकिन अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन इसके चांसेस क्या हैं इसके चांसेस काफ़ी कम है तो इन दैट सेंस हम अगर किसी भी पर्टिकुलर फर्म की स्टडी करेंगे तो वो इजी रहेगी हमारे लिए है ना हम एक पर्टिकुलर कंडीशन में बता पाएंगे कि फर्म्स कैसे बिहेव करती है ऑल राइट right, तो इसीलिए जो है परफेक्ट कॉम्पिटिशन को हम लोग लेते हैं और परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर जो है हम लोग फर्म को पढ़ते हैं All right, I guess ये चीज़ क्लियर हो गई है। इंडस्ट्री sell अब यहाँ पर दो टर्म्स और आए हैं वन इज फॉर्म एंड वन इज इंडस्ट्री फॉर्म और इंडस्ट्री क्या होता है इस चीज को समझते हैं देखो ये दो चीजें हैं We would say कि आपकी इंडस्ट्री इज दिस वन थिंग ठीक है वेन डाइग्राम देखे उसमें हम जो है जो भी चीजें जिसमें भी इंक्लूडेड है उस हिसाब से वेन डाइग्राम बनाते हैं तो इंडस्ट्री जो है ना ये आपका आउटर सर्कल है और फर्म क्या है फर्म है आपकी ये इनर सर्कल तो इससे हमें क्या समझ में आया कि फर्म इज अ पार्ट ऑफ इंडस्ट्री ठीक है एग्जाम्पल लेते हैं देखो फर्म बेसिकली क्या होती है फर्म इज बेसिकली एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर यहाँ पर क्या बोलोगे आप कि ये है एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर इट right. और जो आपकी इंडस्ट्री होती है वो क्या होती है वो होता है आपका ग्रुप ऑफ सिमिलर प्रोड्यूसर्स ठीक है दिस इज वॉट दिस इज ग्रुप ऑफ सिमिलर प्रोड्यूसर्स ये नहीं बोल रहे कि सारे प्रोड्यूसर्स बट सिमिलर प्रोड्यूसर्स अब सिमिलर क्यों बोला है उसे समझो जैसे कि इंडिविजुअल प्रोड्यूसर में वी टेक एन एग्जाम्पल हीरो हीरो हॉन्डा वाला हीरो ठीक है अगर कंफ्यूजन है तो वो क्लियर कर दू कि जो है ना हीरो हॉंडा वाला जो है वो हमने लिया यहां पर हीरो या फिर जो है आप यहां पर ले लो टाटा मोटर्स वेरियस जो है आप क्या कर सकते हो वेरियस आप लोग जो है आपके प्रोड्यूसर्स को ले सकते हो, अकॉर्डिंग टू योर योर विश आप एग्जाम्पल रख सकते हो हमने लिया टाटा मोटर्स टाटा मोटर्स एज ए इंडिविजुअल प्रोड्यूसर टाटा मोटर्स क्या हुआ फर्म हुई इंडस्ट्री क्या हुई इंडस्ट्री हुई आपकी ऑटोमोबाइल्स ठीक है आई गेस अब क्लियर है कि कैसे जो है आपकी जो फर्म है वो क्या होती है और जो आपकी इंडस्ट्री है वो क्या होती है सो ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री है और फर्म क्या है टाटा मोटर्स इज दी फर्म ठीक है सो जब हम बात करते हैं अपने परफेक्ट कंपटीशन की तो इसमें कोई भी जो है ना सिंगल फर्म कोई भी पर्टिकुलर जो फर्म है वो प्राइजेस को डिटरमाइन नहीं करती है इंडस्ट्री जो है वो प्राइजेस को डिटरमाइन करती है इंडस्ट्री कैसे डिटरमाइन करेगी वही सेम जो यहां पर हमने मार्केट का कंसेप्ट लिया इंडस्ट्री जो है डिमांड देखेगी सप्लाई देखेगी और दोनों के अकॉर्डिंग फिर जो है ये डिसाइड किया जाएगा कि क्या पर्टिकुलर प्राइजेस होने वाले हैं ठीक है सो so, वो होगी आपकी जो इंडस्ट्री uh, है वो प्राइजेस रखेंगी ठीक है ना एग्जाम्पल ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन देखो वैसे तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन एग्जिस्ट ही नहीं करता है लेकिन हमारे पास में जितने भी आइटम्स हैं जितने भी कमोडिटीज हैं उनमें अगर हम मोस्ट जो है ना क्लोजेस्ट एग्जाम्पल पर भी जाएं तो हमें कौन सा एग्जाम्पल या कौन सी पर्टिकुलर जो है कमोडिटीज मिलेगी इसके अंदर सो दैट वुड बी योर एग्रीकल्चरल गुड्स ठीक है मार्केट फॉर एग्रीकल्चरल गुड्स लाइक वीट एंड राइस इन केस ऑफ देर आर न्यूमरस बायर्स एंड सेलर्स दैट आर फार्मर्स सिंगल बायर एंड सेलर कैन सिग्निफिकेंटली अफेक्ट मार्केट प्राइस ऑफ वीट ठीक है जो आपका परफेक्ट uh, कॉम्पिटिशन होता है इसमें कोई भी सिंगल बायर या फिर कोई भी सिंगल जो सेलर होता है ये आपकी जो भी मार्केट प्राइस है Uh, जो भी गुड्स है उनकी जो भी मार्केट प्राइस है उसको अफेक्ट नहीं कर सकता है बिकॉज हमने क्या बोला है कि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स है ठीक है तो एक ने अगर गड़बड़ की भी तो कंज्यूमर जो है वो दूसरे के पास चला जाएगा उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज हर जगह पर जो है सेम प्राइजेस ही सॉरी नॉट प्राइजेस हर जगह पर जो है सेम प्रोडक्ट ही मिलने वाले हैं ठीक है होमोजीनियस प्रोडक्ट है ऑल राइट सो दिस इज परफेक्ट कॉम्पिटिशन अब अगर इसके कुछ फीचर्स देखो तो वही हो जाएंगे जो कि उसकी डेफिनेशन में से ही हम लोगों ने उठाए दैट इज द मार्केट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स इन सेलर ईच फर्म प्रोड्यूसेस एंड सेल्स अ होमोजीनियस प्रोडक्ट दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ वन फर्म कैन नॉट बी डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ एनी अदर फर्म एंट्री इन टू दी मार्केट एज वेल एज एग्जिट फ्रॉम द मार्केट आर फ्री टू फॉर्म्स ठीक है फ्री फॉर फॉर्म्स फॉर्म्स जो है वो फ्रीली एंटर एंटर भी कर सकती है मार्केट में और फ्रीली जो है एग्जिट भी कर सकती है यहाँ पर जो है कोई भी काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप जो है मार्केट में एंटर नहीं कर सकते या एग्जिट नहीं कर सकते ठीक है तो आ, आपका जब मन लगे तब आप आ जाओ आप प्रोड्यूस करने लगो आपका जब मन लगे तब आप ये प्रोडक्शन छोड़कर चले जाओ कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर कोई बैरियर नहीं है ऑन एंट्री एंड एग्जिट ठीक है इंफॉर्मेशन इज परफेक्ट ये माना जाता है कि हर एक कंज्यूमर को हर एक प्रोड्यूसर को परफेक्ट इंफॉर्मेशन है कि मार्केट में क्या चल रहा है किन गुड्स का क्या प्राइस है, है कहां पर क्या है कहां पर क्या नहीं है ये सारी चीजें ठीक है सो दीज आर सम ऑफ दी फीचर्स ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन देन फर्म इज अ प्राइस टेकर फर्म क्या है प्राइस टेकर है तो प्राइस बनाया किसने प्राइस बनाया इंडस्ट्री ने अभी अभी हम लोगों ने समझा था तो प्राइस बनाने वाली इंडस्ट्री है और आ, जो फर्म है वो क्या है वो प्राइस टेकर है, इन मेकिंग ऑफ प्राइस सो so, प्राइस टेकर मींस दैट एन इंडिविजुअल फर्म हैज नो ऑप्शन बट टू सेल एट अ प्राइस डिटमाइन बाय द इंडस्ट्री परफेक्ट कंपटीशन एन इंडिविजुअल फर्म कैन नॉट इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑन इट्स ओन एज इट्स शेयर इन टोटल मार्केट सप्लाई इज नेग्लिजल ठीक है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर कोई भी इंडिविजुअल फॉर्म जो है वो प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती है क्यों नहीं कर सकती है क्योंकि उसका मार्केट सप्लाई में शेयर कैसा है नेग्लेजल है ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर एक आद भी जो है ना सप्लायर इधर उधर हो जाए तो एक आध भी प्रोड्यूसर अगर नहीं मिल रहा है तो क्योंकि बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ जो है सेलर्स हैं हमारे पास में ठीक है अ फर्म प्लेज नो रोल इन प्राइस डिटर्मिनेशन इट कैन अफेक्ट नीदर दी डिमांड इन दी मार्केट सो फर्म इज प्राइस टेकर एंड इंडस्ट्री इज प्राइज मेकर सो ईच फर्म है प्राइज एज डिटमाइंड ऑफ डिमांड एंड सप्लाई प्राइस इज वेयर मार्केट डिमांड कर प्राइस कहाँ पर डिटरमाइन होगा जहां पर मार्केट डिमांड कर्व जो है वो इंटरसेक्ट करेगा मार्केट सप्लाई कर्व को अब सप्लाई कर्व वगैरह क्या होता है इसे हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में इसी पर्टिकुलर चैप्टर में तो यहां पर मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी ठीक है बस ये समझ लो डिमांड कर्व हम लोगों ने देखा ना कैसा होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है ये आपका डिमांड कर्व है आपका सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होता है अभी अपवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है उस चीज को हम लोग आगे पढ़ेंगे ठीक है ये होती है ये होगी आपकी सप्लाई दिस पर्टिकुलर पॉइंट यहां पर क्या होगा यहां पर जो भी प्राइस प्रिवेलिंग होगा वो प्राइस ले लिया जाएगा ठीक है एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट और ये हो गई आपकी क्वांटिटी ठीक है तो यहां पर ये जितना भी प्राइस है वो प्राइस मान लिया जाएगा कि किसी भी प्रोडक्ट का जो है प्राइस इतना हमें रखना होगा ऑल राइट सो आई गेस परफेक्ट कॉम्पिटिशन का जो कंसेप्ट है वो क्लियर है अब आते हैं रेवेन्यू पर सो रेवेन्यू इज बेसिकली वॉट की कितना अमाउंट रिसीव हुआ है फ्रॉम सेल प्रोसीज ऑफ दी गुड्स एंड सर्विसेज सो रेवेन्यू रिफर्स टू अमाउंट रिसीव्ड बाई द फर्म फ्रॉम द सेल ऑफ गिवेन क्वान्टिटी ऑफ अ कमोडिटी इन द मार्केट ठीक है रेवेन्यू का मतलब क्या है रेवेन्यू का मतलब है वो अमाउंट जो कि फर्म रिसीव करती है फ्रॉम द सेल ऑफ गिवेन क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी ठीक है जितनी भी क्वांटिटी है कमोडिटी की उसको सेल आउट कर, कर एक फर्म कितना जो है अमाउंट रिसीव करती है कौन कौन से जो है टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट होते हैंज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट उसके बाद में हमने कॉस्ट के भी कंसेप्ट पढ़े थे कॉस्ट कौन कौन से होते हैं टोटल कॉस्ट होता है एवरेज कॉस्ट होता है और मार्जिनल कॉस्ट होता है ठीक है सेम वे में हम रेवेन्यू के कांसेप्ट पढ़ेंगे अब रेवेन्यू क्या-क्या होंगे आई गेस नाउ यू कैन रिपीट विद मी दैट वुड बी टोटल रेवेन्यू उसके बाद में क्या होगा उसके बाद में आ जाएगा आपका एवरेज रेवेन्यू एंड देयर विल बी व्हाट मार्जिनल रेवेन्यू ठीक है तो ये तीन-तीन कांसेप्ट्स दैट इज टोटल एवरेज एंड मार्जिनल जो है वो हमें पढ़ना है ठीक है नाउ टोटल की जब भी बात आती है स्टूडेंट्स तो टोटल का मतलब क्या है पूरा मिला जुला के दैट वुड बी टोटल तो टोटल रेवेन्यू क्या है टोटल रेवेन्यू इज बेसिकली वो टोटल अमाउंट जो कि रिसीव किया गया है फ्रॉम द सेल प्रोसीड्स ऑफ द वेरियस क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी ठीक है सो टोटल रेवेन्यू इज द टोटल रिसीट फ्रॉम द सेल ऑफ गिवन क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी टोटल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू क्वांटिटी इनटू प्राइस ठीक है आप को कितनी को सेल कर रहे हो किस प्राइस पर सेल कर रहे हो ट्वेंटी कि कि सेल किया है एट अ प्राइस ऑफ रुपीज पर यूनिट ठीक है तो ट्वेंटी इंटू टेन कर दो आंसर आ गया आपके पास में दैट इज टू हंड्रेड तो आपकी सेल प्रोसीज या फिर हम बोले टोटल रेवेन्यू कितना आ जाएगा टू हंड्रेड आ जाएगा

Then, उसके बाद में एवरेज रेवेन्यू व्हाट इज़ बेसिकली एवरेज रेवेन्यू एवरेज जहां पर टर्म आता है वो क्या होता है स्टूडेंट्स एवरेज का मतलब होता है पर यूनिट हम निकाल रहे हैं तो जब हम एवरेज रेवेन्यू की बात कर रहे हैं तो ये क्या होगा पर यूनिट हम लोग जो है रेवेन्यू को फाइंड आउट करेंगे कि पर यूनिट जो कमोडिटी आपने सेल आउट की है उससे आपको कितना जो है रेवेन्यू जनरेट हुआ है दैट वुड बी टर्म्ड एज एवरेज रेवेन्यू फॉर एग्जाम्पल हमने बोला था की टोटल रेवेन्यू कितना है सिक्सटीन हंड्रेड है आपकी क्वान्टिटी कितनी है 10 है ऑल राइट सो 1600 हंड्रेड डिवाइडेड 10 टेन गिव यू

That is, जो है, राइट? जो है, है right? पर चेयर का वो भी कितना है वो भी 160 है तो दोनों सेम है तो क्या इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि आपका एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू प्राइस होता है या ये नहीं कर सकते हैं दोनों चीज जो है वो थोड़ा सा आपको सोचना है ठीक है सो क्लियरली वी कैन से कि ये yes, आपका जो एवरेज रेवेन्यू किसके इक्वल होता है प्राइस के इक्वल होता है अब इसे जो है ना प्रॉपरली आपको एक्सप्लेन करते आना चाहिए बिकॉज ये आई से कि थोड़ा फेवरेट क्वेश्चन होता है एक एग्जामिनर का बिकॉज ऐसी चीजों में क्या लगता है ना उन्हें कि बच्चे जो है ना वो थोड़ा सा क्या हो जाते हैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं तो इसलिए इस पर्टिकुलर चीज को हम लोग यहाँ से समझते हैं कि ए आर इज इक्वल टू प्राइस कैसे होगा देखो सिंपल सी चीज़ है इन सारी चीज़ों पर बाद में सबसे पहले देखते हैं कि प्राइस और जो है आपके टी आर में क्या रिलेशन है मैं पीछे चलती हूं टोटल रेवेन्यू वाला हमने पढ़ा ये पर्टिकुलर हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है टोटल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय प्राइस अब मान लो कि इस पर्टिकुलर फॉर्मूले के हिसाब से हमारे पास में क्वेश्चन में टोटल रेवेन्यू गिवन है क्वांटिटी गिवन है लेकिन प्राइस गिवन नहीं है हमें फाइंड आउट क्या करना है हमें प्राइस को फाइंड आउट करना है तो आप कैसे करोगे आपको जो है इधर से उधर शिफ्टिंग तो आती ही है ठीक है ये इतना बेसिक मैथ्स तो सभी को आता है कि अगर तीन कम, तीन जो है हमारे पास में वेरिएबल्स हैं उसमें से अगर दो की वैल्यूज गिवन है तो जो एक और है उसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं ठीक है सो अगर हमें प्राइस निकालना है तो कैसे निकालेंगे total revenue को divide कर दो quantity से तो आ आ जाएगा All right, आ गया ये Same चीज़ देखो यहां पर एवरेज रेवेन्यू पर आओ एवरेज इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी क्या ये टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी लिखा है बिल्कुल लिखा है तो अगर मैं इस चीज को ऐसे लिख दू तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो दैट क्लियरली मीन्स कि ये और ये क्या है इक्वल है आगे आपका एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस तो अगर कभी भी क्वेश्चन आता है कि एवरेज रेवेन्यू और प्राइस जो है उन्हें हम इंटरचेंजेबली क्यों यूज कर सकते हैं या फिर वो दोनों इक्वल कैसे होते हैं तो प्रॉपरली कुछ इस मैनर में जो है ना आंसर लिख देना अच्छे से एक्सप्लेन करके दैट इज ए आर एंड प्राइस आर दी सेम ए आर इज इक्वल टू पर यूनिट सेल रिसीट्स एंड प्राइस इज ऑलवेज पर यूनिट ठीक है प्राइस हमेशा पर यूनिट होता है और ए आर क्या है ए आर भी आपका पर यूनिट सेल रिसीट है ठीक है

टी आर की जगह पर हम क्या लिख दें ये क्वांटिटी प्राइस लिख दें सो क्वांटिटी इंटू प्राइस डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ये दोनों कैंसिल आउट हो गए बचा क्या ए आर इज इक्वल्स टू प्राइस ठीक है सो ए आर इज इक्वल्स टू वॉट प्राइस इस वे में जो है आपका एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी ठीक फिर उसके बाद में आता है मार्जिनल रेवेन्यू पर मार्जिनल का मतलब क्या होता है मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल यूनिट ठीक है अब हम रेवेन्यू की बात कर रहे हैं तो रेवेन्यू में एडिशनल यूनिट क्या हो सकता है तो बेसिकली जब हम मार्जिनल रेवेन्यू की बात कर रहे हैं सो इट दी जो आपने एडिशनल रेवेन्यू अर्न किया है किस पर्टिकुलर चीज से सेल से ठीक है तो आपने जो है एक और कमोडिटी को सेल आउट कर, कर कितना जो है एडिशनल रेवेन्यू जनरेट किया है दैट वुड बी दी मार्जिनल रेवेन्यू ओके सो मार्जिनल रेवेन्यू इज द एडिशनल रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम द सेल ऑफ ऑफ एन एडिशनल यूनिट आउटपुट सो इज टू सेवल माइनस वन ठीक है यहां पर फिर से थोड़ा सा हमें क्या करना है रिकॉल करना है एम को कैसे निकालते थे मार्जिनल प्रोडक्ट अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हम कैसे करते थे एम ऑफ एन यूनिट इज इक्वल्स टू टीपी ऑफ एन यूनिट माइनस पी एन माइनस वन ऑल राइट अगर हमें मार्जिनल कॉस्ट निकालना हो तो हम कैसे निकालते थे मार्जिनल कॉस्ट ऑफ एनी यूनिट इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट ऑफ एनी यूनिट माइनस

तो बस वही चीज मैं बता रही हूं कि कैसे याद करना है ठीक है सो वेयर मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ एन इज इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम एंथ यूनिट टी आर एन इज इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू फ्रॉम एन यूनिट टी आर एन माइनस वन इज इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू फ्रॉम एन माइनस वन यूनिट एन एन दैट इज नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड ठीक है तो MR क्या हो गया आपका चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स इस पर्टिकुलर वे से भी आप इसे फाइंड आउट कर सकते हो सेम जैसा हमने टीपी सॉरी एम और एमसी में देखा था ठीक है अगर हमें एम निकालना है तो हम इस वे से भी निकाल सकते थे उसको चेंज इन टीपी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी चेंज इन क्वांटिटी सेम वे यहाँ पर चेंज इन टी आर डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी या नंबर ऑफ यूनिट्स ठीक रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस रेवेन्यू कंसेप्ट ठीक है अब जो रेवेन्यू कॉन्सेप्ट है ना स्टूडेंट उसे हम दो पार्ट में या दो पर्टिकुलर जो है ना सिचुएशन में पढ़ते हैं फर्स्ट वन इज वेन प्राइस रिमेन्स कॉन्स्टेंट दैट इज अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन प्राइस कॉन्स्टेंट कहाँ पर रहता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन में जो की हम लोग अभी अभी पढ़कर आए हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन को ठीक है बस वही चीज है यहाँ पर कि परफेक्ट कंपटीशन में जो प्राइजेस हैं वो कैसे रहने वाले हैं वो कांस्टेंट रहने वाले हैं यहाँ पर जो फर्म्स है वो प्राइस टेकर होती है और इंडस्ट्री प्राइस मेकर होती है और होमोजेनियस प्रोडक्ट्स में डील किया जाता है इसीलिए जो है प्राइजेस यहाँ पर हमें कांस्टेंट देखने को मिलते हैं जब हम बात करें दूसरे पर्टिकुलर जो हमारा केस है या सिचुएशन है और वी कैन से कंडीशन है दैट इज

आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स में लेकिन अगर जब ये जो है रैशनलाइजेशन नहीं हुआ था सिलेबस का अगर उस टाइम की आप बुक देखोगे तो उसमें आपको एक चैप्टर मिलेगा फॉर्म्स ऑफ मार्केट का जिसमें हम लोग जो है डिटेल में पढ़ते हैं वेरियस फॉर्म्स ऑफ मार्केट जिसमें हम लोग इम परफेक्ट कॉम्पिटिशन को भी पढ़ते हैं इसके अंदर जो वेरियस टाइप्स के कॉम्पिटिशन है या वेरियस टाइप के मार्केट होते हैं उन्हें भी हम लोग समझते हैं लेकिन अब वो उतना डिटेल में हमें नहीं जाना है इसे बस जो है थोड़ा सा क्या कर लेना है हमें इसका एक जो ग्लिम्स है वो देख लेना रहेगा बेसिकली यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि जब आउटपुट राइज होता है तो प्राइस क्या होता है तो प्राइस फॉल हो जाता है अब इसका क्या मतलब हुआ और ये कैसे हो रहा है बस इतना हम लोग समझ लेते हैं देखो स्टूडेंट्स जैसे कि मान लो डिमांड है 50 यूनिट्स की सप्लाई भी मान लेते हैं 50 यूनिट्स की लेकिन आउटपुट राइज हुआ है ठीक है तो अब ये फिफ्टी यूनिट से ज्यादा कर दो सिक्सटी सेवेंटी एटी जितना भी करना है ठीक है आउटपुट राइज हुआ है ना तो उसको इंक्रीज कर देते हैं तो जब आपकी सप्लाई ज्यादा हो जाएगी डिमांड से तो ऐसे केस में जो प्रोड्यूसर्स हैं वो अपने गुड्स को सेल आउट करने के लिए जो प्राइजेस है उसे क्या करेंगे उसे कम करेंगे ऑलराइट राइट यहां पर मैंने फॉल और दिस वुड बी प्राइज ठीक है सो जब भी अगर गुड्स का जो स्टॉक है वो अगर बहुत ज्यादा हो जाएगा इन uh, अपने जो सप्लायर्स है और वी कैन से जो प्रोड्यूसर्स है उनके पास में तो प्रोड्यूसर क्या करेंगे प्रोड्यूसर सोचेंगे कि उनको जो है उनके प्रोडक्ट को सेल आउट करना है तो वो प्राइजेस क्या कर दें वो प्राइजेस को कम कर दें तो प्राइजेस क्या हो जाएंगे प्राइजेस जो है वो आपके कम हो जाएंगे सो विथ राइज इन आउटपुट जो प्राइजेस है दैट विल फॉल ठीक है ये होता है आपका इम परफेक्ट ऑल्सो इम परफेक्ट कॉम्पिटिशन में जो हमारा लॉ ऑफ डिमांड है वो भी एप्लीकेबल है और यहाँ पर वो चीज भी है कि अगर एक प्रोड्यूसर को अपने प्रोडक्ट्स को सेल आउट करना है ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स को सेल आउट करना है तो उसे अपना प्राइस जो है वो थोड़ा कम करना पड़ेगा ठीक है तो यहां पर मतलब कि आउटपुट और प्राइस में कैसा रिलेशनशिप है इनवर्स रिलेशनशिप है right. तो आपका कुछ ग्राफ भी ऐसा रहेगा जब इनवर्स रिलेशनशिप होता है दो वेरिएबल्स में तो ग्राफ कैसा रहेगा डाउनवर्ड स्लोपिंग रहेगा ये चैप्टर नंबर वन से मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ ठीक है तो एक तो हो गया आपका परफेक्ट कॉम्पिटिशन एक हो जाता है आपका इम परफेक्ट कॉम्पिटिशन ठीक है सो तो अब जो हमारा मेन फोकस रहेगा फेक्ट कॉम्पिटिशन और इमपर्फेक्ट में भी हम देखेंगे ठीक है ऐसा नहीं है कि हम इम परफेक्ट में नहीं देखेंगे इम परफेक्ट में भी समझेंगे कि आपके जो वेरियस रिवेन्यू कंसेप्ट उनके बीच में आपस में कैसा रिलेशनशिप है ठीक तो है तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन ए आर एंड एम आर विन प्राइस रिमेन्स कॉन्स्टेंट ठीक है ए आर और एम आर के बीच का जो है रिलेशनशिप हम लोग देखेंगे जब प्राइस क्या है कॉन्स्टेंट है so when price remains same at all output level like in case of perfect competition no firm is in a position to influence the market price of a product a firm can sell more quantity of output at the same price it means the revenue from every additional unit that is mr is equal to ar अब इतना बड़ा सा पैराग्राफ है शायद जो है हमारे सर के आप लोगों के सर के ऊपर से निकल गया ठीक है लेकिन कोई दिक्कत की चीज नहीं है मैं हूं आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए देखो पहली चीज अंडर परफेक्ट कंपटीशन हम लोगों ने क्या देखा है या फिर मैं अंडर परफेक्ट कंपटीशन ना बोलकर अगर एक जनरलाइज मैनर में भी बोलूं तो ए आर और प्राइस के बीच में हमने कैसा रिलेशनशिप देखा है ये दोनों एग्जैक्टली exactly सेम होते हैं ए आर किसके इक्वल है प्राइस के इक्वल है इतना हमें पता है नाउ परफेक्ट के अंदर प्राइस कैसा रहता है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो प्राइस है वो कांस्टेंट रहता है ये बात याद रखना ठीक है प्राइस कैसा है कांस्टेंट है लेट्स टेक फॉर एन एग्जांपल प्राइस कितना है टेन रुपीज का है ऑल राइट right, थोड़ा सा हम शेड्यूल बना दें जिससे कि चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर होगी ये है हमारे यूनिट्स ऑफ आउटपुट जो कि हम सेल कर रहे हैं और ये आपका हो गया टोटल रेवेन्यू एंड देयर वी गो विथ मार्जिनल रेवेन्यू ठीक है और जो आपका प्राइस है वो भी हमें लेना रहेगा तो प्राइस भी लिख देते हैं यहाँ पर दैट इज प्राइस जो कि ए आर है तो प्राइस हमने कितना बोला है टेन बोला है इसे टेन रख दो लेट्स टेक फॉर एन हम ले लेते हैं फाइव देन सिक्स सेवन एंड एट ऑल राइट ये हो गया आपका टोटल रेवेन्यू कितना हो गया प्राइस इन टू क्वान्टिटी दैट वुड बी फिफ्टी सिक्सटी सेवेंटी एंड एटी मार्जिनल रेवेन्यू कितना आएगा मार्जिनल रेवेन्यू के लिए क्या करना है 60 माइनस फिफ्टी कर दे तो आ जाएगा आपका मार्जिनल रेवेन्यू दैट वुड बी 10 देन 70 माइनस सिक्सटी विल गिव यू 10 एंड देन 80 माइनस सिक्सटी विल गिव यू 80 माइनस सेवेंटी विल गिव यू 10 ठीक है क्या होता है मार्जिनल रेवेन्यू एडिशनल यूनिट को सेल करने पर आपको कितना जो है एडिशनल

फिर उसके बाद में देखो तो फिर से मेरा प्राइस तो सेम है ना तो फिर से मुझे एडिशनल रुपीज मिलेगा तो इन इन वी कैन से कि परफेक्ट तो बोले हम एम आर इज इक्वल्स टू प्राइस होगा ऑल्सो वी नो प्राइज इज इक्वल टू ए आर तो इसको इस वे से लिख दे तो इन शॉर्ट वीके

प्राइस ले लिया ये या, या आपका टी आर और ये आपका एम आर आ गया यू कैन सी एम आर और ए आर का जो है सेम हमारे पास में वैल्यूज आई है अब अगर आप लोग इसका शेड्यूल देखो सॉरी इसका ग्राफ देखोगे तो कुछ ये देखने को मिलेगा आपको प्राइस कैसा रहेगा कॉन्स्टेंट ए आर सेम कॉन्स्टेंट और एम आर भी ऐसा ही है तो प्राइस इज इक्वल्स टू ए आर इज इक्वल्स टू ए एम आर ठीक है सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन योर ए आर एंड एम आर अंडर परफेक्ट कॉम्पिनेशन ठीक है देन उसके बाद में आते हैं रिलेशनशिप बिटवीन टी आर एंड एम आर वेन रिमेंस रिमेन्स कॉन्स्टेंट दैट मीनस परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंडर ही जब प्राइस कॉन्स्टेंट रहता है ठीक है प्राइस कांस्टेंट वाली स्टेट है मतलब कि परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहे हैं तो उसमें जो टीआर और एमआर है उनके बीच का रिलेशनशिप कैसा होगा हमें ये बताना है So, when price remains constant, firms can sell any quantity of output at a price fixed by the market. As a result, MR curve and AR curve is a horizontal straight line parallel to x-axis. Since MR remains constant, TR also increases at a constant rate. Due to this reason, the TR curve is positively sloped and straight line. उटपुट zero zero जो टोटल रेवेन्यू है, है वो जीरो रहेगा कब जीरो आउटपुट पर ठीक है जो टी आर है वो क्या रहेगा वो जीरो रहेगा एट जीरो आउटपुट तो इसीलिए जो टी आर का कर्व है वो कहां से स्टार्ट होगा वो आपके ओरिजिन से स्टार्ट होगा अगर आप कुछ सेल ही नहीं कर रहे हो तो फिर आप रेवेन्यू कहां से जनरेट करोगे इसीलिए टीआर का जो कर्व है वो ओरिजिन से स्टार्ट होता है अनलाइक हम लोगों ने कहां पे पढ़ा था हम लोगों ने अपने कॉस्ट में पढ़ा था कि जो हमारा टोटल कॉस्ट है वो कहां से स्टार्ट होता है वो अब से स्टार्ट होता है ठीक है आपका जो ओरिजिन है वहां से स्टार्ट नहीं होगा जितनी आपकी फिक्स कॉस्ट होती है उस पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट होता है ऑल राइट तो इसीलिए जो है यहाँ पर ये पर्टिकुलर चीज बोली गई है ठीक है नाउ टीआर और एम के बीच का रिलेशन समझो हम लोग देखे यहाँ पर कि आपका प्राइस ये है एम ये है अगर हम लोग देखें तो टी आर जो है वो इंक्रीज तो हो रहा है कैसे रेट पर कॉन्स्टेंट रेट पर यहाँ पर फाइव का इंक्रीज है 5 रुपीस का इंक्रीज है देन अगेन का इंक्रीज है देन अगेन फाइव रुपीज का इंक्रीज है देन अगेन फाइव रुपीज का इंक्रीज है, है मतलब कि कॉन्स्टेंट रेट से जो है आपका टी आर इंक्रीज होता है यहाँ पर ना ही इंक्रीजिंग रेट है और ना ही क्या है डिक्रीजिंग रेट है दिस इज कॉन्स्टेंट जो है आपकी स्टेट है ऑल राइट right. सो so, इसकी वजह से हम क्या बोलेंगे कि आपका जो टी आर का जो गर्व है अंडर दिस पर्टिकुलर कंडीशन वो कैसा होगा वो स्ट्रेट लाइन रहेगी और अपवर्ड स्लोपिंग रहेगी अपवर्ड स्लोपिंग क्यों है बिकॉज ये डायरेक्ट रिलेशनशिप शो कर रहा है आपने यूनिट्स ऑफ आउटपुट बढ़ाए तो आपका टीआर बढ़ता गया इसका अपोजिट भी करके देख लो अगर आप यूनिट्स सोल्ड जो है वो अगर कम कर दोगे तो आपका टी आर जो है वो भी कम होने लगेगा ठीक है तो ये दोनों केसेस में जो है ना आप लोग देख सकते हो सो यहां पर क्या हो रहा है यहाँ पर जो है हम यूनिट सोल्ड को बढ़ा रहे हैं तो टी आर जो है वो क्या होता जा रहा है वो इनक्रीज होता हुआ जा रहा है ठीक है दिस इज़ द केस कि आपका टीआर जो है वो कॉन्स्टेंट रेट से इंक्रीज होगा इसीलिए ये स्ट्रेट लाइन है कहीं पर भी आप ये नहीं देखोगे कि, कि यहाँ से कुछ ऐसा चली गई हो ऐसा चली गई हो। Concave, convex, -shaped, -shaped, कुछ भी नहीं ठीक है स्ट्रेट लाइन रहेगी ऑल राइट सो दिस इज बेसिकली रिलेशनशिप बिटवीन टी आर एंड एम आर परफेक्ट कॉम्पिटिशन और वी कैन सेन प्राइस रिमेन कॉन्स्टेंट ऑल राइट

टी आर इज इक्वलआर सो द इक्वल टू टी आर ठीक है जो आपका टी आर वो किसके इक्वल है वो आपके MR के इक्वल है और वी कैन से कि ये जो ए आर निकलेगा ठीक है जो आपका टी आर है वो क्या है वो आपके एम आर के इक्वल है टी आर का जो इंक्रीजिंग रेट है दैट इज इक्वल टू यम आर ऑल राइट किस रेट से इंक्रीज हो रहा है वो आपके किसके इक्वल है एम आर के इक्वल है ठीक है तो वो चीज है तो जो एरिया अंडर एम है या फिर जो प्राइस लाइन हम बोल सकते हैं दैट इज इक्वल टू टी कैसे हुआ है उसको समझो यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाओगे लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर समझेंगे ना तो हमें क्लैरिटी मिल सकती है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग इसमें ले या आपने लिया ऑल राइट right. मैं बोल रही हूँ मुझे इतना ये जो आप येल्लो में देख रहे हो ना इतने का मुझे क्या निकालना है टीआर निकालना है तो इस एरिया में जो भी है उसका आपको टी निकालना है थ्री लिखा हुआ है यहाँ पर एट दिस पॉइंट दैट मीन यूनिट थ्री इन टू फाइव कर दो कितना आ गया आपका? 15 आ गया गया आपका है हमने क्या बोला टी आर इज इक्वल टू एरिया कवर्ड अंडर प्राइज लाइन ठीक है ये आपकी प्राइज लाइन है उसके अंदर का जो एरिया कवर्ड है मैं यहाँ तक नहीं गई हूँ मैं सिर्फ ये येलो वाले का बता रही हूँ ठीक है तो जो एरिया कवर्ड अंडर प्राइज लाइन है वो कितना आया हमारा फिफ्टीन आ रहा है क्या एट थ्री यूनिट्स ऑफ आउटपुट जब सोल्ड किए गए तब आपका 15 निकला है क्या बिल्कुल निकला है ऑल राइट right, तो बस ऐसे ही जो है हमें है, right, अब आप कोई भी यूनिट का निकाल लो चलो फाइव यूनिट का निकाल लो मैं पूरा जो है इसका अगर निकालना चाहूं तो भी ये जो एरिया कवर किया गया है दिस विल इक्वल टू टी आर फाइव इंटू फाइव कर दो कितना आ गया? 25 आ गया? गया. पर देख लो 25 जो है वो आपका आर निकल रहा है ठीक so जो आपका relationship between TR and MR है और टी आर एम आर तो हमने देख लिया था टी आर और प्राइस लाइन के बीच का जो रिलेशनशिप है आई गेस दिस इज क्लियर टू यू ऑल ऑल राइट देन उसके बाद में आते हैं रिलेशनशिप बिटवीन ए आर एंड एम आर

देखो क्या बोला जा रहा है कि ऐसा पर्टिकुलर मार्केट जिसमें कि प्राइस फॉल होता है आउटपुट तो इसका मतलब कि ऐसा मार्केट जहां पर आप अपनी सेल्स बढ़ा सकते हो बाय डिक्रीजिंग प्राइजेस ठीक है अब प्राइस अगर डिक्रीज हो रहा है और उससे आउटपुट बढ़ रहा है तो प्राइस का जो कर्व है वो कैसा बनेगा स्टूडेंट्स प्राइस का कर्व कुछ ऐसा बनेगा इनवर्स रिलेशनशिप हम बोल रहे हैं ना प्राइस कम हो रहा है आउटपुट इंक्रीज हो रहा है ठीक है तो प्राइस का कर्व ये बना वी नो प्राइस प्राइस इज इज इक्वल्स इक्वल्स टू टू क्या होता है? Price is equals to AR होता है है ये चीज हो गई प्राइस फॉल हो रहा है दैट मींस ए आर फॉल हो रहा है अब ऐसी पर्टिकुलर कंडीशन में जो एम आर होगा दैट मींस जो मार्जिनल रेवेन्यू होगा दैट वुड बी लेस देन ए आर ये चीज ऐसे ही समझ नहीं आएगी इसको हम जो है शेड्यूल के थ्रू देखते हैं जिससे कि चीजों में क्लैरिटी रहेगी हमने बोला यूनिट सोल्ड ए आर को हमें कम करना है दैट प्राइस हमें फोर थ्री टू वन ऑलरेट टी आर को फाइंड आउट right? कर लो फाइव इंटू फाइव सॉरी फाइव इंटू वन हो गया ये आपका फाइव फोर इंटू टू एट हो गया थ्री इंटू थ्री नाइन हो गया फोर इंटू टू एट हो गया एंड इंटू वन फाइव हो गया यहाँ पर एम आर देखो अब यहाँ का एम आर वु हम या तो फाइव लिख दो या फिर उसे जो है नेगेलिजेबल भी लिख सकते हैं देन एट माइनस फाइव विल गिव यू थ्री नाइन माइनस एट आपका आ जाएगा वन एट माइनस नाइन आ जाएगा माइनस वन एंड फाइव माइनस एट विल गिव यू माइनस थ्री नाउ यू कैन सी फोर और थ्री में से छोटा नंबर है थ्री यहाँ पर भी जो है आपका एम आर कम है अगेन नेक्स्ट वाले में देखो एम आर कम है और उसके भी नेक्स्ट वाले में देखो तो एम आर ही कम है ठीक है आउट वी कैन सी कि ए जो है उससे कम आपका MR निकलने वाला है ये आप कोई भी particular figures ले लो उसमें ऐसा ही निकलेगा बस एक चीज आपको ध्यान रखना है कि आपको यूनिट शोल्ड बढ़ाते जाना है और ए को कम करते जाना है तो अगर आप कोई भी और कोई भी डिजिट्स लेते हो या और कोई भी नंबर्स लेते हो तो आपका रिलेशनशिप कुछ ऐसा ही निकलेगा ठीक है सो रेशियो ऑफ फॉल अगर देखो

ऑल्सो एमआर विल गो नेगेटिव हमने देखा है एमआर नेगेटिव जा सकता है लेकिन क्या एआर नेगेटिव जा सकता है कभी नहीं जा सकता क्यों नहीं जा सकता बिकॉज़ प्राइसेस कैन नेवर बी नेगेटिव एंड एआर इज इक्वल्स टू प्राइस होता है तो इसीलिए जो है आपका एम जो एआर है वो नेगेटिव नहीं जाएगा ठीक है तो ये कुछ आपके जो है इसके ग्राफ बनेंगे

so MR curve is steeper than the AR curve because MR is limited to one unit whereas AR is derived by all the units it leads to comparatively lesser fall in AR than fall in MR ठीक है जो MR curve है, वो steeper है AR curve से steeper का मतलब होता है जब आपके X's के पास में ज़्यादा है ना तो हम उसे स्टीपर कहते हैं जब ऐसा ज़्यादा है तो दिस इज स्टीप ऐसा है तो दिस इज फ्लैट ठीक है

देन आते हैं जनरल रिलेशनशिप बिटवीन एआर एंड एमआर मतलब कि ना ही हम परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहे हैं ना ही हम इम्परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहे हैं अगर जनरलाइज्ड मैनर में देखें तो एआर और एमआर जो है उनके बीच का क्या रिलेशनशिप है इसे समझते हैं सो एआर इंक्रीजेस एज लॉन्ग एज एमआर इज हायर देन एआर और व्हेन एआर इज मोर देन सॉरी एमआर इज मोर देन एआर एआर इंक्रीजेस यहां पर आई वुड से कि आप लोगों को थोड़ा सा होमवर्क करना है दैट इज एम पी एंड एपी के बीच का रिलेशनशिप निकालो जो हम लोग पढ़ चुके हैं अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है आप बहुत अच्छे से कनेक्ट करोगे अगर याद नहीं है तो इसे जो है ना आप लोगों को निकालना है ठीक है और जो आपके मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट के बीच का जो रिलेशनशिप है उसे भी हमें क्या है? करना है फाइंड आउट करना है ठीक है वो मतलब कि आपको लिखना है और उसे लिखना किस फॉर्म में है इस फॉर्म में जैसे कि हमने बोला आप टेबल बनाना है बेसिकली एमपी और एपी लिखना एक साइड पर एक साइड पर लिखना आप एम और एंड ए में आपको लिखना है एम एंड ए ठीक है ना इस कॉलम में इस पर्टिकुलर टेबल में करना क्या है बेसिकली लिखो यहां पर एम आर इज मोर देन एर सेम पर्टिकुलर चीज सब में लिखो एम सी इज मोर देन ए सी और एमपी इज मोर देन एपी अब इसकी वजह से क्या हो रहा है एम पी एपी एम सी ए सी और एम आर ए आर में वो चीजें आप लोगों को लिखनी है तो इस वे में आपको एक टेबल बनाना है जिसमें आपकी हेडिंग में ये आएंगे तीन और जो इसके अंदर आएगा उसमें तीन रिलेशन आएंगे जब ये एम पी ज्यादा होगा एपी से देन सेकेंड वाला आ जाएगा जब एम पी इज इक्वल टू ए पी होगा एंड थर्ड वाला आएगा जब एम पी इज लेस देन ए पी होगा अब ये क्या क्या है ये मैं नहीं बताने वाली हूं ये चीज आप लोगों को करना है अगर मैंने बता दिया तो फिर वही चीज है कि आप करोगे नहीं और अगर आप खुद इस एक्सरसाइज को परफॉर्म नहीं करोगे तो आपको जो है ना चीजें समझ नहीं आएगी जो मैं समझाना चाहती हूँ वो इसलिए मैं रिवील कुछ नहीं कर रही हूँ आप बस लिखते जाना उन्हें और इनके बीच का रिलेशनशिप देखना ठीक है कैसे जो है ना ये तीनों बिहेव कर रहे हैं उस चीज को समझना बिलीव मी आपने अगर एक याद कर लिया तीनों में से तो आपको तीनों रिलेशन याद हो जाएंगे ठीक है इसीलिए मैं तो ए तब, आर तब तक, तक तो इंक्रीज होगा एट अ पॉइंट जब एम आर और ए आर एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे तो ए आर उसके मैक्सिमम पर होगा ठीक है ए आर जो है वो उसके मैक्सिमम पर होगा और अब इसके बाद में क्या होने लगेगा ए आर फॉल होने लगेगा दैट इज वेन एम आर इज लेस देन AR ए आर विल फॉल ठीक है इसका अगर कुछ ग्राफ देखोगे तो ऐसा दिखेगा आपको देखो जब तक ये इस साइड पर था आपका एम आर तो आपने देखा AR is rising. At a point, ए आर इज राइजिंग एट अ पॉइंट जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो एट दैट पॉइंट ए आर आपका मैक्सिमम पर है और जब एम आर जो है वो लेस देन हो गया ए आर से तो एट दैट पॉइंट ए आर क्या होने लगा फॉल होने लगा

यहां पर जो है फिर से एक टेबल बनाना टी आर एंड एम आर का रिलेशनशिप लिखना टीपी एंड एम पी का रिलेशनशिप लिखना टी सी एंड एम सी का रिलेशनशिप लिखना ठीक है वही सेम चीज फिर से करना और प्रॉपरली जो है ना टेबल बनाना है आपको नोट्स बना के रखने हैं आपके एग्जाम्स तक के लिए ऐसा नहीं कि बस मैंने बोल दिया तो ऐसे ही रफ में बना लिया प्रॉपर सुंदर सा टेबल बनाना है और ऐसी नोटबुक में बनाना है जो कि आप संभाल कर रखोगे ये नहीं कि किसी भी पेज में उठा के बना दिया हो गया काम ये नहीं करना है आपको उन पर्टिकुलर जो है ना नोट्स को संभाल के रखना है टिल योर एग्जाम्स ताकि आप रिवाइज कर सको सो so, जब तक एम आर पॉजिटिव रहेगा टी आर इंक्रीज होता है या फिर हम इसे अदर वे में ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब तक टी आर राइज होता है आपके पास में एम आर पॉजिटिव आता है ये सारी चीजें आप शेड्यूल में देख लेना आपको सारी चीजें जो है ना एज इट इज देखने को मिलेगी जैसे कि देखो जो टी आर है वो क्या हो रहा है राइज हो रहा है फाइव से एट एट से नाइन नाइन से नाइन यहाँ पर जो है कांस्टेंट हो गया वो ठीक है तो अगर आप लोग यहाँ तक देखो तो फाइव थ्री वन जो एम आर है वो क्या है पॉजिटिव है यहाँ पर जब ये कॉन्स्टेंट हुआ तो एम जो है वो जीरो हो जाएगा कॉन्स्टेंट मतलब कि ये इसके मैक्सिमम पर पहुंच गया है सो वेन टी आर इज एट इट्स मैक्सिमम जो आपका एम आर है वो क्या है वो जीरो है और उसके मैक्सिमम पर पहुंचने के बाद में वो फॉल होगा तो जब टी आर फॉल होने लगेगा तो एम आर क्या हो जाएगा एम आर नेगेटिव हो जाएगा ठीक है बस यही चीज आप लोगों को यहां पर भी पढ़नी है सो वेन एम आर इज जीरो अदर वे में ऐसे बोल सकते हैं कि वेन टी आर इज मैक्सिमम एम आर इज जीरो

एंड जो आपका परफेक्ट है उसका मतलब हम लोग समझ चुके हैं I hope so, ये जितने भी टॉपिक्स अभी हमने इस पर्टिकुलर वीडियो में पढ़े आप लोगों को क्लियर है, आगे आप जो है इसके मिल जाएंगे। ऐसे ही और भी वीडियोस आप लोग एक्सेस कर सकते हो फ्रॉम आर यूट्यूब चैनल सोशल स्कूल डू सब्सक्राइब चैनल एंड आल्सो डू शेयर इट इसके आप डाउनलोड कर सकते हैं जहां पर आप लोग और भी एक्साइटिंग फीचर्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं लाइक like, आप लोगों के पास में ऑप्शन है ऑफ रियल टाइम इंटरक्शन यूजिंग एंड एंडीज आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हो यूजिंग क्वेश्चन टैब, आप लोगों के पास में लाइफ पोल ऑप्शन है फॉर क्विज ऑल्सो यू हैव अ चांस टू विन स्कॉलरशिप थ्रू वीकली स्कॉलरशिप टेस्ट अगर आप इन सारे फीचर्स को अनलॉक करना चाहते हैं